उपराष्ट्रपति का अपमान करने वाले सांसदों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा ने शिमला में किया प्रदर्शन। हिमाचल के राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। भाजपा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को किसान व जाट समुदाय का मजाक भी बताया। इससे पहले पीएम मोदी व महामहिम राष्ट्रपति के अपमान के लिए भी कांग्रेस व कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली की निंदा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, मिमिक्री का इतना ही शौक है तो संसद की बजाय किसी नाटक कंपनी में चले जाए। इंडी गठबंधन के नेता, देखिए हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं और वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जाट समुदाय से जो है पहली बार संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया गया है, एक किसान परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो किसानी करता रहा हो वो व्यक्ति जो है वो उस स्थान पर बैठा हो और आप इस प्रकार से जो है वो मजाक उड़ाएं, मिमिक्री करें, ये बहुत ही अशोभनीय है। यंग आदमी जा रहा था, उसके साइड में गांव का एक बुजुर्ग बैठा था, तो उस यंग आदमी ने सिगरेट पीते हुए पूरे के पूरा धुआं ताऊ के ऊपर फेंकता था। ताऊ परेशान था पर कुछ किया नहीं। आखिर में उस युवक ने सिगरेट ऐसी पी कि एक चिंगारी ताऊ की धोती के ऊपर पड़ गई। तब उस बच्चे, उस यूथ को लगा कि मैंने सीमा पार कर दी है। तो उसने कहा, ताऊ तेरा गांव कौन सा है? बोला, क्या पूरे गांव की आग लगाएगा? तो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है? पूरा दिन इतना दुखी है, नहीं और क्या करोगे? संसद परिषद में भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने वाले सांसदों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए भाजपा द्वारा शिमला में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति की नकल उतार कर उनका अपमान करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, आसपास मौजूद कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन के ठाके लगाने वाले अन्य सांसदों की प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं ने कड़ी निंदा की। डीसी शिमला के साथ साथ हिमाचल के राज्यपाल के माध्यम से भी देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन को लीड कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत के संसद परिसर में पहली बार उपराष्ट्रपति के ऐसे अपमान की घटना घटित हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय व शर्मसार करने वाली है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने वाले सांसदों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी अथवा कांग्रेस जैसे इंडी गठबंधन के सांसदों ने उस किसान व जाट समुदाय का भी अपमान किया है जिससे उपराष्ट्रपति संबंध रखते हैं। गौरतलब है कि देश के राष्ट्रपति के अपमान का यह मुद्दा देश के मेनस्ट्रीम मीडिया में भी सुर्खियों में बना हुआ है और इस घटना के बाद राज्यसभा में भाजपा सांसदों ने खड़े रहकर सभापति का सम्मान किया। उपराष्ट्रपति के इस मजाक व अपमान की भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सहित शीर्ष पदों पर बैठे कई लोग निंदा कर चुके हैं। देखिए हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अंदर आप जो है वो नारेबाजी करते हैं, कुछ और बात करते हैं, वो आप वहाँ कर सकते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन एक संसद सदस्य और वो भी पढ़ा लिखा वकील संसद सदस्य जो वकालत में भी सीनियर एडवोकेट है, वो एक दूसरा सीनियर एडवोकेट
जो उनके अपने मुताबिक के धनखड़ जी उनसे सीनियर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, और वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जाट समुदाय से जो है पहली बार संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया गया है, एक किसान परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो किसानी करता रहा हो वो व्यक्ति जो है वो उस स्थान पर बैठा हो, और आप इस प्रकार से जो है वो मजाक उड़ाएं, मिमिक्री करें, ये बहुत ही अशोभनीय है। और ख़ास करके जो संसद के सदस्य हैं, और आज तक हमेशा से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी इसी प्रकार से जो है वो ठेस पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि 2014 में हिंदुस्तान में एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाला, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज से संबंध रखने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल में चाय बेचने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश का ऐसा परिवार जो देश में समझता है कि यहाँ का शासन तो हमको ही करना है, वो उनका भी जो है वो हर समय जो है अपमान करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। और इतना ही नहीं, 2014 के बाद जो देश में एक सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर वे ट्राइबल वुमेन जो है वो चुन करके आती हैं, उनका भी जो उनके सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग जो हैं वो अपमान करते रहे हैं, गलत शब्दावली का प्रयोग करते रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है उनको लगता है कि देश में जो ट्रेडिशनली सरकार बनाते थे, जो शासन करते थे, अब ये नए लोग जो हैं जो आम जनता से है, ओबीसी समाज से संबंध रखने वाला है, जाट समुदाय से संबंध रखने वाला है, किसान है, वो इन पदों पर आ गया है तो हमारा जो है वो अपमान हो रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके अपमान कर रहे हैं। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, अशोभनीय बात है, और इसके हम जो है वो कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए जो संवैधानिक पद पर बैठे, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार से संसद परिसर के अंदर ही रहते हुए जो है वो अपमानजनक जो है वो कल मिमिक्री या भद्दे जो है कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग ये वो कहते हैं कि जी इस प्रकार की मिमिक्री कई जगह होती है, तो उसके लिए वो टेलीविज़न पर चले जाएं, वो एक्टिंग करना शुरू कर दें बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर, या कहीं आप जो हैं वो नाटक कंपनियां खोल दें, लेकिन संसद परिसर के अंदर रहते हुए इस प्रकार का अपमान जो है वो सहन नहीं होगा। आज जो है वो ज्ञापन हमारे कार्यकर्ता जिलाधीश शिमला को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, और इसके बाद जो है क्योंकि गवर्नर साहब यहाँ पहले थे नहीं, अब वो आ गए हैं, तो उनको भी जो है वो ज्ञापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है वो सौंपा जाएगा।